हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईडी कर्मा में। हम लोग पहुंच गए हैं पैराबोला पर। पैराबोला का पार्ट वन चल रहा है और ये पार्ट वन ही रहेगा क्योंकि पैराबोला में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और वही प्रॉपर्टी बार बार क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, बट टेंजेंट की, नॉर्मल की, जो प्रॉपर्टी पे एक बार क्वेश्चन आया वही प्रॉपर्टी पे अगले साल, उसका अगले साल फिर वही प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, तो सभी जगह प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं या टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन आए हैं या ज्यादा फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप पैराबोला पढ़ रहे हैं, पैराबोला भरा पड़ा है प्रॉपर्टीज पे। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आपसे क्वेश्चन यू बनेंगे, कैसे यू, और नहीं याद है तो फिर आप फंसे रहेंगे, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सर्कल में प्रॉपर्टी के साथ कैलकुलेशन होती है, लेकिन अगर आप डायग्राम से जाते हैं तो जल्दी बनता है, हमने देखा। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू दोनों में, लेकिन पैराबोला में सब केस प्रॉपर्टी के हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे दिखे मुझे, लेकिन हर बार मुझे ये दिखाई दिया कि हर बार पार्ट जो है वो एक ही रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जेई मेंस जो है, जेई मेंस में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, थोड़े से चीजें बदल गई हैं, पोस्टपोन्ड हो गई है, डेट बदल गई है, बहुत सारी बातें हैं, मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं उस पर, लगे रहें, मेहनत करते रहें, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि ये मौका आपको फिर से मिला है, उस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है इफ थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, अगर कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स है, कोई पॉइंट है अगर एच कॉमा के, कोई भी पैराबोला अगर होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है, और कोई एक पॉइंट हो जिससे तीन नॉर्मल डल रही हूं, यही वो बोल रहा है। थ्री नॉर्मल ड्रॉन टू दी पैराबोला, अपन ने अभी ये मान लिया है, मैं आपको प्रॉपर्टी बस याद दिलाने के लिए, और पासेस थ्रू ए कॉमा जीरो की हमने एच कॉमा के बोल दिया है, देन ए मस्ट बी, तो इसमें क्या है, इसी पे केस बनता है, केस एच पे बनता है, के पे नहीं, इसलिए उसने ए पर बात की है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर यह बोला जाता है कि अगर तीन नॉर्मल डालते हैं किसी भी पॉइंट से, तीन नॉर्मल डालती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पे, इट इज ओनली पॉसिबल When h is greater than 2a, h जो है वो अगर इसको बोल रहे हैं अपन, क्या फोकल लेंथ को हम a बोल रहे हैं, ठीक है, तो lr का हाफ, लेटस रेक्टम का हाफ डिस्टेंस होती है, और ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, माइनस प्लस नहीं लिया जा रहा, मतलब मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस लगा सकते हैं, फिलहाल अपन a को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, a पॉजिटिव दिया है, a नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर ये वाला केस होता है, h जो है ग्रेटर देन 2a होता है। अब इसका 2a कितना होगा, अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूं तो 4a की वैल्यू है 2, तो 2a की वैल्यू है 1, h की जगह क्या लिखेंगे, a, h कॉमा k, इसी पॉइंट से तीन नॉर्मल डल रही है, मतलब इसकी जगह है a कॉमा 0, तो h की जगह हम लिखेंगे a, तो a क्या होगा ग्रेटर देन 2a, 2a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू A मस्ट बी ग्रेटर देन, A की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो केस बना, ये केस इसी पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया होगा, ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। देन दिया हुआ है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला, ये हमने पैराबोला लिया y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, इसकी फोकस ऑफ द पैराबोला ये a कॉमा 0, और लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पे कोई पॉइंट है p पॉइंट जो मूविंग है, इन दोनों का मिड पॉइंट का लोकस h कॉमा k, इसके मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट का केस मतलब सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब भी कभी हम इन तीनों कोऑर्डिनेट को जानते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी at स्क्वायर कॉमा 2at, मिड पॉइंट का केस लगाएं एंड एंजॉय। तो यहां पर x1 प्लस x2 at स्क्वायर प्लस a बाय 2 इक्वल टू कितना है दोस्तों h, तो यहां से हमने कहा at स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 2h, और y1 प्लस y2 2at प्लस 0 बाय 2 कितना दिया हुआ है k, तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज k बाय a, अब k एलिमिनेट कर दो, k की वैल्यू रख दो बस, h और k में रिलेशन चाहिए, लोकस आ जाएगा, तो यहां पर हो गया कितना a टाइम्स ऑफ k बाय a होल स्क्वायर
प्लस ए इक्वल टू टू एच, तो इट इज के स्क्वायर बाय ए, एक ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए इक्वल टू टू एच, तो एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि वो जो मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज अनदर पैराबोला, मतलब उसका जो लोकस आया, ये जो लोकस आया ये भी एक पैराबोला है, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताइए, तो इसकी अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे भाई, तो कैसे निकालें, तो पहले इसे कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, इसको ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू x का कोएफिशिएंट सिंगल बनाओ x माइनस a बाई टू, ठीक है, इसको बोलूंगा कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू टू ए कैपिटल x, कैपिटल y इक्वल टू फोर एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, कैपिटल x इक्वल टू माइनस a, माइनस a, a की जगह कितना आ रहा है, अगर इसे 4 बोलेंगे तो इसे 2 बोलना पड़ेगा a बाई टू, तो a की जगह कितना आ रहा है a बाई टू, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस a, यहां पे 2a था तो उसे 4 बनाया, अगर 4ax बनाया तो a की जगह a बाई टू आ गया। अब कैपिटल x कितना है, कैपिटल x की वैल्यू रखो x माइनस a बाई टू है, और ये भी क्या है माइनस a बाई टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू जीरो, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला। अरे सबको चमक रहा होगा, एक बार फिर से देखिएगा, ये पैराबोला आ गया था, इसको हमने 2a कॉमन ले लिया क्योंकि x का y का कोएफिशिएंट सेम 1 बनाने के बाद इसे कैपिटल x और कैपिटल y मानते हैं, ये 2a था उसे 4a लिखने के लिए 4 का 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो a की जगह a by 2 था। अब अगर हम y square equal to 4ax बोलते हैं तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x equal to minus a by minus a, a की जगह minus a, a की जगह a by 2 रखा और कैपिटल x की जगह x minus a by 2 रखा, कैंसिल होके x equal to 0, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देन If P be a point on the parabola which is closest, इस पर दो तीन क्वेश्चन मुझे दिखे, ठीक है, इस पर कॉमन टेंजेंट पर बहुत क्वेश्चन आए, तो इसलिए मैंने सिंगल ही बनाया है, लेकिन आपको समझ में बढ़िया आएगा, ठीक है। पैराबोला y is equal to x square plus 4 which is closest to the straight line y is equal to 4x minus 1, मतलब y square equal to y equal to x square plus 4, तो x square और 4 ऊपर ले गए, ठीक है, तो ये 4 है, ठीक है, वर्टेक्स इसकी, ये पैराबोला है और एक लाइन जा रही है y is equal to slope पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है, ये जा रही है y equal to 4x minus 1। अब ये बोल रहा है कि नियरेस्ट हो, इस पर कोई पॉइंट है P जो इसके नियरेस्ट है, ध्यान रखना कोई भी दो कर्व हो, कोई एक लाइन और एक कर्व हो, जब भी कभी शॉर्टेड डिस्टेंस बोलता है तो वो कॉमन नॉर्मल का केस होता है, मैं पढ़ाता हूं हमेशा कि कभी भी अगर दो कर्व है या कोई एक लाइन है और एक कर्व है और आपसे शॉर्टेड डिस्टेंस बोले तो वो कॉमन नॉर्मल का केस होता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डालें ये कॉमन नॉर्मल बन रहा है, ये पी पॉइंट पे क्या होगा, कॉमन नॉर्मल बनेगा, मेरी बात समझ में आ रही हो, तो यहां पर अगर ये नॉर्मल कॉमन होगा इसका मतलब है पी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होगी क्योंकि इसका कॉमन नॉर्मल बन रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को एज्यूम कर लो x, y, y की जगह लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4, अरे ठीक है ना, पॉइंट एज्यूम कर लो और अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप, इसका डिफरेंशिएट कर लिया dy वाई बाई डी एक्स, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आ रहा है 2x, और क्योंकि ये जो टेंजेंट होगी क्योंकि कॉमन नॉर्मल का केस था तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप के बराबर होगा, इसका स्लोप कितना दिया है 4 और टेंजेंट का स्लोप कितना आया dy / dx मतलब 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, x की वैल्यू 2 रख दें एंड एंजॉय x, x स्क्वायर प्लस 4, सो इट इज 2.8, आंसर है 2.8। भाई चमक रहा है तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई दो कर्व अगर शॉर्टेड डिस्टेंस बोलते हैं या कोई एक लाइन और कर्व शॉर्टेड डिस्टेंस बोलते हैं तो वो कॉमन नॉर्मल का केस होता है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा और याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देन अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज डी डोज हो गए डी ओ Does not lie on it, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग में गलती हो जाती है, मैं वहां से जाता हूं इसके लिए, ठीक है, कभी कभी इसी बहाने हंस लेते हैं। चलिए, तो ये बोल रहा है कि कोई टेंजेंट है, पैराबोला है y square equal to 6x, एक टेंजेंट है
और जो टेंजेंट है वो किसके इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है माइनस टू, तो इसके टेंजेंट का स्लोप कितना होगा वन बाई टू। हाँ टेंजेंट का स्लोप होगा वन बाई टू। भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स होता है तो इसकी टेंजेंट की स्लोप फॉर्म क्या होती है, अगर स्लोप दिया है तो स्लोप फॉर्म लगाएंगे ए बाय एम। तो वाई इज इक्वल टू स्लोप है वन बाई टू एक्स प्लस ए, फोर ए को कंपेयर कर लो, फोर ए अगर सिक्स है यहां पर सिक्स है तो ए की वैल्यू थ्री बाई टू है, तो थ्री बाई टू रखे एंड एंजॉय वन बाई टू ये कैंसिल, एलसीएम ले लें तो एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो ये आ रहा है भाई। अब पॉइंट पुट कर करके देख लेना, जीरो कॉमा थ्री रखो तो जीरो माइनस सिक्स प्लस सिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है नॉट लाए, माइनस सिक्स कॉमा जीरो रखो तो माइनस सिक्स जीरो प्लस सिक्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, फोर कॉमा फाइव रखो फोर रखा फाइव रखा तो माइनस टेन प्लस सिक्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आंसर क्या होगा भाई डी होगा। मेरे ख्याल से चमक रहा होगा सबको, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, जब भी स्लोप का केस आए टेंजेंट का केस आए स्लोप फॉर्म याद रखें, ठीक है बताया हुआ है। देन द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो मैं क्लास में भी कराता हूं, सालों से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को और ये दो बार तो पूछा ही गया है, ठीक है अलग अलग तरीके से। द एरिया ऑफ द ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है इंस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसकी तीनों वर्टेक्स किस में है पैराबोला में है, उसकी एक वर्टेक्स पैराबोला की वर्टेक्स ऑरिजिन पे है वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स की, ठीक है ये वर्टेक्स कहलाती है पैराबोला की, और उसी की एक वर्टेक्स से कोइंसाइड कर रही है इक्वल ट्राइंगल की वर्टेक्स, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो भाई इसकी लेंथ निकालनी है तो इसे दो मेथड से बना सकते हैं, मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं क्या करें। ये लेंथ एल मान ले, इसकी लेंथ जो है उसे एल मान ले, कोई भी एक साइड को एल मान ले, ये क्योंकि ये पैराबोला सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के, तो यहां पर ये 60 डिग्री एंगल बनता था भाई तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये आर होता ये 30 डिग्री होता तो बेस क्या होता एल कॉस 30 डिग्री, आर कॉस 30 एल आर की जगह एल है कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू, और ये लेंथ क्या होती एल साइन 30 डिग्री तो ये एल साइन 30 डिग्री होता है वन बाई टू, तो ये मिल गया। इससे हमें क्या मिल गया ये कोऑर्डिनेट मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट ये एफ से सा ये ऑर्डिनेट वाई आर मिल गए हैं कोऑर्डिनेट, ये एफ से सा और ये कोऑर्डिनेट, ऐसे शायरियां बन रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट पैराबोला में सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करा दो आंसर आ जाएगा एल मिल जाएगा, तो वाई की जगह रखेंगे एल बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू एट टाइम्स ऑफ एल रूट थ्री बाई टू, तो एल स्क्वायर बाय फोर ए टू फोर, तो चलो अभी नहीं काटा बाद में कट कर देंगे, टू से टू फोर जा एक एल से एल कट गया एल इक्वल टू आ गया सिक्सटीन रूट थ्री, ठीक है भाई। अब साइड पता हो तो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल होता है रूट थ्री बाय फोर एल स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर, ठीक है। सो रूट थ्री बाय फोर सिक्सटीन रूट थ्री इंटू सिक्सटीन रूट थ्री, फोर फोर जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर इंटू थ्री रूट थ्री, सो इट इज ट्वेल्व वन ट्वेंटी 192 रूट थ्री स्क्वायर यूनिट, ठीक है 192 रूट थ्री थर्ड ऑप्शन सही है, मेरे ख्याल सबको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देन सिक्स प्रॉब्लम। अब ये बहुत बड़ा चढ़ा के बड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन क्या करा करें, आपको सिखाया एक सिंगल तरीका है किसी से भी क्वेश्चन को डराने का, डरते तो अपन ही नहीं किसी से, ठीक है। क्वेश्चन को डराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पढ़ते जाएं और डायग्राम बनाते जाएं, कहीं कोई गलती नहीं होती। क्या बोल रहा है उसको बोलने दो, क्या बोल रहा है भाई, पी बी अ पॉइंट, अच्छा मैं यहां पर जगह थोड़ी ज्यादा है यहां पर डायग्राम बनाना शुरू करूंगा, ठीक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पी बी अ पॉइंट ऑन दी पैराबोला, पी कोई पॉइंट लिया गया है पैराबोला पे हम ले लेंगे, ठीक है। एन बी अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब अगर पी पॉइंट ये है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज एन, यहां हो गया अ लाइन इज नाउ ड्रॉइंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ पी एम, पी एन का मिड पॉइंट लिया है हमने एम, और
इससे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस एक्सोसिमेट्री कहलाता है, यही एक्सिस कहलाता है। तो इसके पैरेलल क्या बोल रहा है, पैरेलल विच मीट द पैराबोला एट क्यू, ये जो लाइन गई हॉरिजॉन्टल ये मीट करेगी पैराबोला पे क्यू पे, एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एन क्यू, एन क्यू जो जा रही है उसका जहां पर ये कट कर रहा है, तो ये लेंथ जो होगी वाई इंटरसेप्ट होगी, तो ये जो y इंटरसेप्ट है ये कितना है 4/3, मतलब इसके कोऑर्डिनेट है 0.4/3। फिर अपन को pn वगैरह ये सब निकालना है, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया हूं। अब अपन शुरू करते हैं, शुरू क्या करते हैं, इसे सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिख लो, तो a की वैल्यू आ गई है 3। सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलते हैं at square मतलब 3t square, 60 280, ठीक है, तो ये इसके और इसके कोऑर्डिनेट सेम होंगे, एफ से सेम होगा, तो ये हो गया 3t square, 60। अब इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस प्लस दिस बाई टू, तो 3t square, और ये 60, ये 60 नहीं होगा, ये 0 होगा, तो 60 + 0 / 2, तो इट इज 3t। अब बच्चों आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये हाइट सेम रहेगी, हाइट का मतलब है 3t सेम रहेगा, मतलब ये कौन सी लाइन है, ये है वाई इक्वल टू 3t, क्योंकि इसकी हाइट यहां पर से लेके पूरे में सेम रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू 3t। अब y इक्वल टू 3t, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, इसमें भी y की वैल्यू तो 3t रहेगी, अरे इसी लाइन पे लाई कर रहा है q। अब हमें एप्सिलॉन निकालना है, तो q पॉइंट किस पे है, पैराबोला पे भी है, पैराबोला में y की जगह 3t रख दो, पैराबोला में y की जगह 3t, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो 9t स्क्वायर इक्वल टू 12x, 4 × 3 × x इक्वल टू 3t square by 4, तो एब्सिस आ गया भाई 3t square by 4। अब आप इस लाइन की इक्वेशन निकालो और उसमें x की जगह 0 रख दो, ये दोनों पॉइंट पता है बच्चों अपन को, उससे क्या होगा t की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार t की वैल्यू मिल जाए फिर देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाला पॉइंट ले लिया, y माइनस 0, y2 - y1, x2 - x1, 3t square by 4 - 3t square, (x-x1), 3t, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है, तो मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो ये कुछ ऐसा गंदा सा बन रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 3t (-3t square) / ये एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया कितना, 3 = 12 - 9 t² / 4, तो भाई ये t² से t² और ये 9 से 9 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 4t, ठीक है, तो ये 4t आ गया, और y की वैल्यू कितनी दी थी बेटा, 4/3, तो भाई t की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, 1/3, t की वैल्यू भाई 1/3 आ गई, यहां तक सही है, ठीक है, तो t की वैल्यू 1/3 आ गई। अब चेक करो pn बोल रहा है, pn की वैल्यू 4, pn कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाइट के बराबर, कितनी हाइट है 60, तो pn कितना था 60 था, t की वैल्यू कितनी आई है 1/3, 1/3 मतलब 6 × 1/3, आंसर 2 होना चाहिए था, मतलब ये तो आंसर सही नहीं है, pn की वैल्यू 3 भी नहीं आ रही, 2 आ रही है। फिर mq बचा, mq इन दोनों में से आंसर होगा एक, mq क्या होगा, mq ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो या एप्सिसा देख लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, एप्सिसा 3t² / 4, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी 3t², ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब ये आएगा, तो qm आ रहा है या mq आ रहा है 3t² में से 3t² / 4 माइनस किया, तो दिस इज 9t² / 4, इसकी जगह 1/3 रखेंगे, तो 9 से 9 कट जाएगा, 1/4 आ रहा है, तो 1/3 नहीं होगा, 1/4 आंसर होगा थर्ड, क्या सर तगड़ा है, हाँ भाई तगड़ा हो सकता है, लेकिन एक 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 करके अगर आप सही से डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आपसे बनेगा भी, अब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो तुम घबराओगे नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द पैराबोला दिस एंड दिस ऑल्सो टच दिस, ठीक है, वो बात की बात है, कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो स्लोप फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस e/m, और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो कॉमन स्लोप फॉर्म होती है
एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई कहे कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स होता तो क्या करते, तो यहां पे ए की जगह माइनस से रख देते। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई होता तो यहां पे भी ए की जगह माइनस से रखते, तो उससे स्लोप फॉर्म आ जाती है। अब अगर कॉमन टेंजेंट का केस है तो दोनों की, ये दोनों टेंजेंट सेम होंगी। कॉमन टेंजेंट मतलब जो इसकी टेंजेंट है, जो इसकी टेंजेंट है वो इसकी भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। इसका मतलब अगर दोनों की अलग अलग टेंजेंट ले रहे हैं तो ये दोनों टेंजेंट सेम है। तो दोनों टेंजेंट सेम कैसे होंगी, y इक्वल टू mx, ये तो पूरा सेम है। इसके c भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर दोनों को इक्वेट करना है, तो भाई y पहले वाले को का स्लोप फॉर्म आएगा y इक्वल टू mx प्लस, ये b लिख देते a बाय m, a कितना है 1, अच्छा दोनों में 1 ही है तो छोड़ दो फिर, 1 बाय m इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं दोनों को इक्वेट कर दिए। तो एम क्यूब इक्वल टू माइनस 1, तो m की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, m की वैल्यू माइनस 1 इसमें रख दो किसी में भी, और a की जगह है और b की जगह 1 रख दो, a 1 है b भी 1 है, तो इक्वेशन आ गई y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, मतलब x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गई है कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब ये जो है ये इसकी भी टेंजेंट है, तो अगर ये लाइन थी और ये किसी सर्कल की टेंजेंट थी तो बंधु बच्चों सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 प्लस 0 प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ठाकुर आंसर, सेकेंड आंसर सही है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई सर मैंने तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के इतने क्वेश्चन लगाए हैं, मुझे स्लोप फॉर्म इसकी याद है, इसकी याद नहीं रही, अब मैं क्या करूं। तो बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आपको किसी एक की स्लोप फॉर्म याद हो तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं अपने मेथड क्लास में हमेशा बताता हूं, जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझसे नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। आप क्या करते हैं, किसी एक की स्लोप फॉर्म लेते हैं, दूसरे में सेटिस्फाई करा देते, मतलब इसकी स्लोप फॉर्म फर्स्ट वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है उसकी स्लोप फॉर्म होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाय m, ठीक है। अब ये जो है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट का केस है, ये जो है ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y की भी टेंजेंट होगी। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो एक ही पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन, तो मैंने y की जगह यहां पर रखा तो ये हो गया 4mx प्लस 4y, इसको वैल्यू लेंगे इससे क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक के तो दो वैल्यू आएंगे, अरे इसके दो रूट्स आने चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन दोनों का, क्योंकि इसकी टेंजेंट भी, इसकी भी टेंजेंट होगी, तो इसके रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, एक ही आना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आना चाहिए, तो रूट्स एक आना चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक में दो रियल रूट मिलते हैं तो हम कहेंगे दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल। तो आपको कुछ नहीं करना होता, डी को क्या कर देते हैं, जीरो। ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक का स्लोप फॉर्म जानते हैं और दूसरे का नहीं जानते तो एक का स्लोप फॉर्म लेना और उसे दूसरे में पुट करना, उससे क्वाड्रेटिक बनेगा, उसे डी जीरो कर देना, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा, करके देखिएगा बनेगा। तो मेरे पास ये दो मेथड थे, मैंने दोनों मेथड बता दिया, आइए आगे बढ़े। क्या बोल रहा है भाई, लाइन दिस एंड दिस टच द कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अच्छा हाँ भाई, तो ये कर्व आपको बनाना आता हो, फैक्टराइज कर लो, और x एक्स को कट कर रहा है मतलब y की वैल्यू जीरो होगी, तो कहां कहां कट करेगा, 1 और 2 पे, तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऐसा जा रहा होगा, कहां पे कट कर रहा है, 1 पे और 2 पे, ये रूट्स हो गए। अब जो टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, अब इसका स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव 1 यहां पर टेंजेंट होगी, और एक स्लोप पॉजिटिव एक ये होगी, मतलब ये वाली लाइन होगी कौन सी, एक्स प्लस वाई, अरे स्लोप नेगेटिव है इसका ए, और ये वाली लाइन कौन सी होगी, x माइनस y टू बी। अब सरियल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, कोई पैराबोला नहीं लग रहा है इसमें, 1,0 है 2,0 है, 1,0 इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो तो a की वैल्यू आ गई 1, 2,0 इसमें सेटिस्फाई करा दो तो b की वैल्यू आ गई है 2, हमसे पूछ रहा है a बाय बी, a बाय बी होगा 1/2, तो निहायत ही बकवास क्वेश्चन है, आंसर विल बी 1/2 a बाय बी, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ ए बी इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। अब आपको पता है कि फोकल कॉर्ड अगर होती है, कोई भी फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास हो रहा है 1,0 से,
तो ये अगर ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन है और ये ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू है और ये फोकल कॉर्ड है, तो टी वन टी टू कितना होता है, माइनस वन होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी रही फोकल कॉर्ड की। तो यहां पर हम इसे पी पॉइंट, इसे ए और बी बोल देता हूं, ये ए था ये बी था, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेते हैं किससे, ए ए टी स्क्वायर फोर ए एक्स से अगर आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू टू है, यहां पर टू रख दो, तो टू टी वन स्क्वायर कॉमा टू मतलब फोर टी वन, तो इससे ही निकाल लो, इससे निकल जाएगा डायरेक्ट, इससे करने की जरूरत नहीं है, इसी से निकाल लो। तो फोर टी वन इक्वल टू है माइनस टू, तो टी वन कितना है माइनस वन बाई टू। अब अगर टी वन माइनस वन बाई टू है तो यहां पर रख दो, क्योंकि टी वन डी टू कितना होता है माइनस वन, तो ये माइनस वन बाई टू रखा तो टी टू कितना हो गया, टी टू हो गया टू, ठीक है। अगर टी टू की वैल्यू टू आ जाती है, टी टू की वैल्यू टू रख दो और ए की जगह भी टू रख दो, तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं एट कॉमा एट, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहां पर टू, यहां पर टू, यहां पर टू, एट कॉमा एट। अब आपको याद हो कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स है और इस पर एक ऐसा पॉइंट जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो वो होती है टी इक्वल टू जीरो, तो वाई वाई वन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स, फोर टाइम्स टू एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन, पुट करें तो वाई इंटू एट एक्स वन वाई वन ये है फोर एक्स प्लस एट, फोर टू जो एट, सो एक्स माइनस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, आइए आगे बढ़े। देख रहे हैं आप लोग सब प्रॉपर्टी है, टेंजेंट नॉर्मल इन सब की प्रॉपर्टी चल रही है। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट दिस एंगल, अब देखो इसमें जो मैंने आपको समझाया था डी जीरो वाला, इसमें लग जाएगा, इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू है 16x, इसकी स्लोप फॉर्म ले लो, कॉमन टेंजेंट का केस पूछ रहा है, एम एक्स प्लस ए, ये कितना है 4 बाय। अब रेक्टेंगल हाइपरबोला की स्लोप फॉर्म याद नहीं हो, कोई बात नहीं है, जो इसकी टेंजेंट है वो इसकी भी टेंजेंट होगी ना, तो इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही होगा इसका, तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा तो क्वाड्रेटिक जो बनेगी उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, लेकिन दो बार रिपीट होकर आएगी, ये तभी हमें कहेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट एक है, क्योंकि ये टेंजेंट है इसकी भी, कॉमन टेंजेंट का केस है। मल्टीप्लाई किया तो एम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाय एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इसका डी जीरो कर दो, तो बी स्क्वायर सिक्सटीन बाय एम स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी, पूरे में 16 हट गया, तो एम क्यूब इक्वल टू आ रहा है 1, तो एम की वैल्यू आ गई है 1, खत्म क्वेश्चन। एम की वैल्यू यहां पे रखें 1 एंड एंजॉय, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है, मेरे को पूरी उम्मीद है सभी लोग अच्छे से बना रहे होंगे, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही चलते रहे। अगला चैप्टर कौन सा है, इलिप्स का, आपके सामने शीट आ जाएगी। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी, जो चैनल का ग्रुप का नाम है वही है आईआईटी कर्मा बाय पीवी सर, तो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हुई है, उससे भी जाके आप लिंक से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।